यूथ को हमें एंगेज करना है, यूथ को हमें जो सक्सेसफुल और अच्छी सी नौकरियां दे, अपना रोजगार दे। गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है कश्मीर में, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आई थी, बहुत सारे बच्चों को मिल रहा है यहाँ पे जॉब। दे आर प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ जॉब्स फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जो इस वक्त गवर्नमेंट है, हमारा वर्चुअली एक डिलीवरेबल है, एक पार्ट हमारी ड्यूटी का, एक एसेंशियल पार्ट ये है कि हम हर जगह जॉब फेयर्स करते रहे। तो इस हिसाब से हमने एक मिनिमम जो रखा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में 4 जॉब फेयर्स करने हैं, तो 20 डिस्ट्रिक्ट में 80 जॉब फेयर्स करने, और इसके साथ साथ 4 मेगा जॉब फेयर्स भी करने हैं, 2 श्रीनगर में और 2 जम्मू में। मकसद ये हमारा है कि जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भी कैटेगोरिकल डायरेक्शन है और हमारे वर्चुअली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन की, यूथ को हमें एंगेज करना है, यूथ को हमें जो सक्सेसफुल और अच्छी सी नौकरियां दे, अपना रोजगार दे। वो रोजगार सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही नहीं हो सकता है, रोजगार तो डिफरेंट तरीके से भी हो सकता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ जे एंड के गवर्नमेंट में भी तकरीबन 14 या 15 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाते हैं, जिसमें सब्सिडी भी दी जाती है, सपोर्ट भी दिया जाता है, ट्रेनिंग भी दी जाती है, और पोटेंशियल जॉब प्रोवाइडर बनाने की कोशिश की जाती है, एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश की जाती है, न कि जॉब सीकर्स रहने की कोशिश की जाती है। दूसरा ये भी है कि जो पोटेंशियल हमारा यहाँ प्राइवेट सेक्टर है, उस प्राइवेट सेक्टर को भी हम इन्वॉल्व करते हैं। पूरे जेएनके में हमने कोशिश की है, मेगा जॉब फेयर्स भी किए हैं। श्रीनगर में जो मेगा जॉब फेयर भी किया था, उसमें 213 कंपनीज आई थी और 7000 से ज़्यादा वैकेंसीज थी। क्योंकि ये शोपियन एक थोड़ा सा पीछे वाला एरिया है, दूर दराज एरिया है, यहाँ इतना जॉब इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल देन आज के जॉब फेयर में 10 कंपनीज आई है जिनमें मोर देन 200 वैकेंसीज आइडेंटिफाई की है। तो बच्चे भी तकरीबन 300-400 आप देख रहे हैं, 500 अभी तक आए हैं, जो ये चूँकि दिन में पूरा चलता रहेगा तो मुझे उम्मीद है कि 1000 से ज़्यादा बचाएंगे और ये 200 वैकेंसीज फिल हो जाएंगे। आज का जो प्रोग्राम था यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर में गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है कश्मीर में, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आई थी जिसकी वजह से बहुत सारे जो बेरोजगार नौजवान हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, उनको रोजगार मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इनिशिएटिव वो लोग कंटिन्यू रखे, सो दैट यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो खत्म हो जाए। आज यहाँ पे शोपियान डिस्ट्रिक्ट में जॉब फेयर चल रहा था, जो कि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसिल की तरफ से थी। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे बहुत सारे कंपनी आए हैं जो कि प्रोवाइड कर रही है जॉब। यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे, जो कि उसी उम्मीद से आया कि हमें जॉब मिलेगा यहाँ पे। थैंक यू। सो कितना गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है ये, कितना फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में? हाँ सर, यहाँ पे जो इन्होंने सेटअप उठाया है कि बहुत अच्छा सेटअप, आई थिंक कि बहुत अच्छा सेटअप उठाया है कि बहुत सारे बच्चों को मिल रहा है यहाँ पे जॉब। दे आर प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ जॉब्स फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड आई थिंक आई होप वी विल एंगेज एनीवेयर थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन सर।